Hello friends, in this video we are going to discuss a brief synopsis on the question paper of November 18 for your costing new syllabus and old syllabus paper. In costing new syllabus, when May 18 exam paper was set, we were all uh, very surprised by that paper because MTP RTP were showing a different trend of questions and May 18 एग्जाम में मे एटीन में, में, में आ गया था सारा का सारा प्रैक्टिकल और दोस्तों वैसा का वैसा ही नवंबर एटीन में भी हुआ नवंबर एटीन इज यू कैन सेन एक्सरेटेड वर्जन ऑफ मे एटीन पेपर

अगर वैसा बड़ा बड़ा के स्टडी एग्जाम हॉल में आ गया तो बच्चे कैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे पढ़ाया आपके लिए सिंपल पेपर पूरा कंसेप्चुअल जो आप क्लासेस में सीखते हैं बहु उसी का एक वर्जन कुछ क्वेश्चंस सिमिलर थे कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे पूरा का पूरा पेपर करने लायक था या रीडिंग टाइम जाता है इसलिए आपका कभी कभी अटेम्प्ट छूट जाता है अगर आप रीडिंग पूरा नहीं स्पीड में कर पाते हैं तो ओवरऑल अगर आपने 80 मार्क्स का पेपर किया है न्यू सिलेबस में या ओल्ड सिलेबस में तो आई विल रेट इट एज अ गुड अटेम्प्ट आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया 100 मार्क सुपर डुपर गुड अटेम्प्ट हो जाता है बट अगर आपने 80 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया है तो इट इज गुड अटेम्प्ट उस 80 में आप 60 स्कोर कर ले तो आप चैम्प हो कॉस्टिंग में 60 इज एन अचीवमेंट इस में नवंबर 18 के क्वेश्चन पेपर में एक चीज अच्छा था एज कंपेयर टू मई 18 की मई 18 में क्वेश्चंस जो आए थे उसके सलूशन बड़े छोटे-छोटे हो रहे थे तो ऐसा डाउट हो रहा था कि इतना मार्क्स क्यों दिया गया छोटे-छोटे कैलकुलेशन के लिए बट नवंबर 18 में उस चीज को इन्होंने ब्रेक कर दिया मतलब मेहनत करो और मार्क्स उठाओ थ्योरी बोलकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया जो चैप्टर से था बियॉन्ड बजटिंग प्रैक्टिकल किस किस चैप्टर से आया मैं आपको भी दिखा देता हूँ और कौन सा कंसेप्चुअल था कौन सा सिमिलर था वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये ऑब्वियसली नवंबर 18 में जो एग्जाम दिए उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये रिव्यू वाले वीडियो एज वेल एज जो आने वाले टर्म में एग्जाम देने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स उनके लिए ये रिव्यू वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होता है सो दैट दे गेट इनसाइट ऑन व्हाट पैटर्न इंस्टीट्यूट इज फॉलोइंग सो इन न्यू सिलेबस एज यू नो बीस बीस मार्क के एक एक क्वेश्चन है उसमें से छः क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सेट करता है आपको पांच आंसर करने हैं और जिसमें पैटर्न रहता है क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी एज यूजल एंड एनी फोर फ्रॉम द रेस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूट यू ज ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जिससे ये उम्मीद करना मुश्किल था कि इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा जो लाइफ साइकिल क्वेश्चन का पूरा थ्योरी अच्छे से जानता था हर एक फेजेस का नाम उसमें उस फेजेस उस के कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटजीज क्या क्या कंपनी को अडोप्ट करना चाहिए उनके लिए ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था क्वेश्चन में करना क्या था कि कंपनी के कुछ चार प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग फेजेज में है क्वेश्चन ने बता रखा है और यहाँ पर बारह पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें चार तो कैरेक्टरिस्टिक हैं और आठ स्ट्रेटेजीज हैं चार कैरेक्टरिस्टिक आठ स्ट्रेटेजीज हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को रिलेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हर प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं जैसे यहाँ पे चार प्रोडक्ट क्वेश्चन ने बताए थे तो वो चार प्रोडक्ट आपको अलग अलग लाइफ साइकिल से जोड़ के दिए गए हैं इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन तो हर स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है हर स्टेज का कुछ स्ट्रेटजीज होता है राइट right? तो कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेटजी सब यहाँ पर दिए हुए हैं करना क्या था बस कंसेप्चुअली कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेटजीज को इस टेबल में सजाना था एग्जाम चाह रहा था कि आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें ये टेबल कॉपी पेस्ट करें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इंट्रोडक्शन के क्या है ग्रोथ के क्या है मेच्योरिटी के डिक्लाइन के क्या है सोचना नहीं है सिर्फ इनमें से चुन के यहाँ पे बैठा देना है सबका एक एक कैरेक्टरिस्टिक है और हर स्टेज का दो दो स्ट्रेटेजी है और वो यहाँ पे पुट करना है यहाँ पे अब इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है सिर्फ नंबर पुट करना है सीरियल नंबर जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में यूजली ओवर कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री मिलता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेटेजी मतलब करना क्या है सो दैट यू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स ओके तो करना क्या है वो आपको यहां से खोज के यहाँ पे बैठाना है मैं इस वीडियो में आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ मैं जस्ट रीफ ब्रीफ सिनॉपसिस दे रहा हूँ रिव्यू कर रहा हूँ सोल्यूशन के वीडियोज हम लोग बाद में आपके साथ शेयर करेंगे आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है कि आप ये टेबल कॉपी करो बारह पॉइंट में से चार पॉइंट तो यहां बैठेंगे और बाकी आठ पॉइंट यहां बैठेंगे और सिर्फ उनके सीरियल नंबर लिखने थे ठीक है और वो पूरा बारह मार्क का तो एक रॉन्ग हुआ तो एक मार्क कट जाएगा और अकॉर्डिंगली वो दूसरा जगह प्लेस हो जाएगा तो दूसरा मार्क भी कट जाएगा तो एक रॉन्ग होने से अगर आप स्वैप कर गए तो दो जगह मार्क्स कट सकता था जितना सही करेंगे उतना एक एक मार्क आप लेते जाइए इट वॉज अ गुड क्वेश्चन एंड इसके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी लिखना पॉसिबल था इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स बहुत क्लोज होते हैं जनरली मिक्सअप हो जाते हैं तो इस इसपे वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाता जो अच्छे से लाइफ साइकिल की थ्योरी को पढ़ा था इसलिए हम लोग क्लासेस में थ्योरी को हमेशा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं अब ये बात जरूर है कि कुछ बच्चे थ्योरी आने से ही नींद की झपकियां ले लेते ले थे, थे लेकिन वो थ्योरी आपके लिए बहुत जरूरी था कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर भी किया था ये हमारे मॉक टेस्ट पेपर में हमें पता चला था एग्जाम लेकर सो थ्योरी को इम्पोर्टेंस कॉस्टिंग पेपर में यूजुअली uh, हम लोग सेवेंटी थर्टी रेशियो में हमेशा बोलते आए हैं देना ही चाहिए कॉस्टिंग पेपर में सेवेंटी थर्टी रेशियो में थर्टी परसेंट थ्योरी का इंपॉर्टेंस रहता है अब वो किस वर्जन में आएगा किस फॉर्म में आएगा दैट कैन नॉट बी कमेंटेड इस पेपर में भी अगर मैं बोलूं तो आराम से थर्टी मार्क का थ्योरी है जैसे बीस मार्क का तो थ्योरी आपको लाइफ साइकिल से मैंने दिखा दिया ओके नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपको जो दिया है ये टारगेट कॉस्टिंग से जोड़ा है जिसमें एक सिंपल बैक कैलकुलेशन करके टारगेट प्रोडक्शन टाइम आपको निकालना था मार्क के लिए ह्यूज टारगेट कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है और बैक कैलकुलेशन करके टारगेट प्रोडक्शन टाइम निकालना होगा ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी था इनफैक्ट uh, पुराने सिलेबस में भी हम लोग करते हैं तो देर इज नथिंग न्यू हियर एंड सरप्राइजिंगली ऐसा एक क्वेश्चन अभी ऑल सिलेबस का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें भी आया है सेम टू सेम मतलब नॉट फिगर सेम बट पैटर्न ऑफ सॉल्विंग इज सेम सो अगेन टारगेट कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ कुछ चार और दो 6 मार्क का थ्योरी आपको पूछा गया है बट ओवरऑल ये फोर्टीन मार्क्स वाज एन इजी वॉक बस आपको करना क्या है टारगेट प्रॉफिट बैठाना टारगेट प्राइस बताना टारगेट कॉस्ट निकालना है और जो जो यहाँ पे फिगर्स दिए हुए वो सब बैठाते जाने और बैलेंसिंग फिगर में आपको टारगेट प्रोडक्शन टाइम निकालना है हम लोग जनरली इसको अपने एस जी सी मैट में होमवर्क क्वेश्चन की तरह रखते हैं जो बच्चे आराम से ही कर लेते हैं हमारे बिना असिस्टेंस के ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन वॉज ऑन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी या ये आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ एक पोर्शन है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एबीसी चैप्टर सबको अच्छे से करके जाते हैं एक बार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो ही उनको क्लियर हो जाता है और हर बार यही बताया जाता है कि एबीसी से हमेशा क्वेश्चन आता है ओल्ड में भी आता है न्यू में भी आता है क्योंकि मॉडर्न कॉस्टिंग है इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं तो अब ये क्वेश्चन जब भी आता है यूजुअली अगर आप सिली मिस्टेक ना करो तो फुल मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो इसमें भी कोई ऐसा ट्रिक जैसा कुछ था नहीं आप बस केयरफुल रीडिंग करिए और जो क्वेश्चन चाह रहा है वो बता दीजिए जी न्यू सिलेबस में एक दो चीज का बस ध्यान रखना था ये जो की के ऊपर हम लोग एम्फेसिस बार बार कर रहे थे कि रिकमेंड वर्ड बोला एक्सप्लेन वर्ड बोला इवेलुएट वर्ड बोला तो जस्ट कैलकुलेट करके नहीं छोड़ना था थोड़ा बहुत आपका कमेंट्स भी उसके साथ जाना है तो इवेल्युएट जब बोल रहा है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी तो इवेल्युएट आप कस्टमर प्रॉफिट निकाल के छोड़ दो आपको उसके साथ साथ कमेंट भी करना है कि, कि किस कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट है किससे कम प्रॉफिट है ये आपको न्यू सिलेबस में मैंने बार बार सिखाया है ओके इनफैक्ट ये ये तो मैं ओल्ड सिलेबस वालों को भी बोला हूं कि आप ये सब एक दो लाइन लिख के आया करो जस्ट नॉट क्लोज द स्टेटमेंट बाई कैलकुलेटिंग तो सिंस पे न्यू सिलेबस में सब वर्ड्स का खेल था तो इवेलुएट वर्ड के बाद आपको कुछ ऐसा भी करना था प्रॉफिट में ये भी देखना होता है कभी कि प्रॉफिट टोटल पूछा है कि पर यूनिट पूछा है तो प्रॉफिट पर कुकर पूछा है।, पर पूछा है वो आपको दिखाना था और कमेंट भी करना था रेकमेंड करना है तो वो रेकमेंडेशन का हम लोग क्लास में कई बार सीखे हैं कि एबीसी होने से एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को कम कैसे किया जाता है जिससे कि प्रॉफिट बढ़े उसके ऊपर रेकमेंडेशन स्टेप्स अगर एबीसी चैप्टर आपका किया हो तो आप आराम से लिख सकते हैं और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया लिस्ट डाउन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हिच कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यूजफुल कुछ कॉमन सेंस इंस्टीट्यूट लगाने बोला इनफैक्ट हो सकता था कि ये रेकमेंडेशन वगैरह को और ज्यादा मार्क्स का वो बना देते ऐसा भी हो सकता था बट इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत मौका दिया स्कोर करने का इस पेपर में कि लिस्ट डाउन करके स्पेसिफिकली पूछा और मौका दिया कि कॉमन सेंस भी बच्चों का चेक करे तो इसमें आप आराम से बैंक का एग्जाम्पल देख सकते हो जो यूजुअली uh, uh, आपका कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो लोग सर्विसेज देते हैं कोई और आईटी कंपनी का नाम दे सकते हो जहाँ पे अलग अलग तरह का कस्टमर अलग अलग तरह का प्रॉफिट कंपनी को देके जाता है तो उनके यहाँ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बहुत यूजफुल होता है ओके okay. सो so, थ्योरी पढ़ना थोड़ा जरूरी था आप देखिए हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो आ रहा है वो सिक्सटी परसेंट आ रहा है और रेस्ट जो आ रहा है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट के बाद रेस्ट थर्टी परसेंट हर क्वेश्चन में थ्योरी भरा हुआ है जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में अगर मैं बोलूं कि ये फोर ट्वेल्व मार्क्स जो था अगर आप उसको प्रैक्टिकल जैसा या एनालिसिस जैसा समझो तो रेस्ट एट मार्क्स आपका फोर्टी यानी कि थ्योरिटिकली कर दिया देन टारगेट कॉस्टिंग में भी अगर मैं बोलूँ चौदह मार्क्स सेवेंटी परसेंट अगर प्रैक्टिकल किया तो 6 मार्क थ्योरी कर दिया ओके okay? अब वो थ्योरी रट के लिखना ऐसा भी जरूरी नहीं है बट आपका पढ़ावा तो होना चाहिए उसी तरह से कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आप देखिए बारह मार्क का अगर प्रैक्टिकल किया तो चार दो छो आठ मार्क का थ्योरी कर दिया तो थ्योरिटिकल स्टडीज को ध्यान से सुन के आप आगे चलिए ऐसा ना हो कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल की धारा में बह के अपना एग्जाम में जाके बैठ गए तो आपके कॉस्टिंग सब्जेक्ट में जो नए नए कंसेप्ट हैं, इसका थियोरिटिकल बैकग्राउंड भी अच्छे से पढ़ना है उसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा बढ़ भड़ गया है पहले एक साइड में एक क्वेश्चन पढ़ा रहता था ओल्ड सिलेबस में कि एक लास्ट क्वेश्चन आएगा और बीच बीच में थोड़ा बहुत आ गया और न्यू सिलेबस में आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में थोड़ा 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 थियोरटिकल पार्ट है खाली प्रैक्टिकल के भरोसे जा नहीं सकते प्रैक्टिकल में भी अगर वर्ड इवेलुएट जैसा कुछ डाल दिया तो कुछ कमेंट और लिखना होता है नेक्स्ट देर इज फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन इज अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन विच इज फॉर मेक और बाय चैप्टर इट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन मेक और बाय चैप्टर से तो इसको भी आप आराम से कर सकते थे इसमें कोई भी ट्रिक नहीं था

जब वह आंसर लिखोगे तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव आप बोल दोगे जिसमें खर्चा कम है वो है उसके अलावा एक दो लाइन आपको नॉन फाइनेंशियल रीजंस वाले भी लिखने हैं ये मैं शुरू से इम्फोसिस देता हुआ आ रहा हूँ वही चीज आपको लिखना चाहिए ठीक है बिकॉज ऑफ द की वर्ड दैट दे आर यूजिंग इन द क्वेश्चन नेक्स्ट ये जो बी नंबर है यही एकमात्र क्वेश्चन आया अल्टीमेटली केस स्टडी ओरिएंटेड थ्योरी क्वेश्चन का जो बजटिंग चैप्टर से कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड बजटिंग उसके ऊपर आया जिसमें लिखना बियॉन्ड बजटिंग के बारे में ही है बट ऑब्वियसली केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं इन रिलेशन टू सम पॉइंट्स फ्रॉम द केस स्टडीज अपने आंसर को पॉइंट आउट करते हैं तो दस मार्क के लिए इट्स अ गुड क्वेश्चन बियॉन्ड बजटिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया भी गया था आपको इट इज ऑल मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजट एडवांटेजेस अवेलेबल इन बियॉन्ड बजटिंग ट कैन बीजॉयड फ्राम बियॉन्ड बजटिंग सुटेबिलिटी ऑफ देखिए ये जो थ्योरीज है इसका एक ट्रिक है दिखने में लग रहा है कि दस मार्ग का थ्योरी आया है बट ट्रिक ये है दोस्तों कि दिखने में सब एक जैसे ही क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजट में आप जनरली एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग को ही कनेक्ट करते हो तो दोनों एकदम अपोजिट ही हैं कभी सिमिलर भी लगते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना इसकी इसकी बुराई और उसकी बड़ा एक ही चीज है तो इसमें जो लिमिटेशन है वो उसमें एडवांटेज है ये कॉमन सेंस से समझ में आता है और दोनों ही क्वेश्चन में पूछ लिया नेचर और बेनिफिट्स कई बार एक जैसे लगते हैं तो अगर आप स्पेसिफिक थ्योरी प्रिपेयर नहीं करोगे मतलब जस्ट बियॉन्ड बजटिंग को तैयार कर लिया कि बियॉन्ड बजटिंग मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है उसका दो एडवांटेज मालूम है दो लिमिटेशन मालूम है हो गया मेरा काम नहीं होगा आपको उसका पूरा हेडिंग वाइज नेचर क्या है लिमिटेशन क्या है ट्रेडिशनल का एडवांटेज क्या है डिसडवांटेज क्या है सब स्पेसिफिकली जा जाके पढ़ना है तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग था इस पेपर से कि आपको थ्योरी को जस्ट कंसेपचुअली अंडरस्टैंड करके चलना ऐसा भी नहीं है हर हेड में एक एक कंसेप्ट का थ्योरी जानना है फिफ्थ का जो क्वेश्चन है वो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है सन केमिकल्स का रेलिवेंट कॉस्टिंग से रेलिवेंट कॉस्टिंग सबका पसंदीदा चैप्टर होता है तो इसको जैसे ही आप देखोगे आप एकदम आराम से कर लिए होंगे इसमें कुछ भी टेंशन का चीज था ही नहीं तो अगेन देखिए रेकमेंड वर्ड दिया है इन्होंने रेकमेंड मतलब जस्ट आप कैल्कुलेट uh, नहीं करते आप और भी नॉन फाइनेंशियल रीजंस के बारे में जरूर बताते हैं और एनालाइज विथ रीजंस फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ईच ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब आपको ये भी बताना था कि कौन सा कॉस्ट को आपने क्यों लिया है और क्यों नहीं लिया है जो वर्किंग नोट्स हम लोग बनाने का कोशिश करते थे हमेशा सम्स में कि हर एक कॉस्ट को हम एक्सप्लेन करें कि वो क्यों रेलिवेंट है और क्यों रेलिवेंट नहीं है वो भी आपको बताना है और एडवाइज अ प्राइजिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई सल इन पर जोड़ दिया चुन के बताना है जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइजिंग पॉलिसी चलता है गोइंग प्राइस गोइंग रेट प्राइस ओके सो बस उसका नाम लिखना है एडवाइस करना है और जनरली इसका दो मार्क लिखा है तो आपको लगता है कि और लंबा खींचना है नई बस वो नाम आपको आपको आ जाना है कि ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने नहीं जाना है। explain तब करें जब चार मार्क का हो बी भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये सेम क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी करते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग का भी एकदम सेम क्वेश्चन क्लास में भी करते हैं सो so, इसका जस्ट फिगर चेंज किया गया है ये एक्चुअली ये पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है बहुत पुराने एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम uh, था तो हम लोग क्लास में जब कराते थे तो अजम्पन लिख के कराते है और इस बार जो है इस बार क्वेश्चन ने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया मतलब वो अजम्पन अब हमें लिखना नहीं है क्वेश्चन ने एकदम क्लियरली बता दिया कि क्या चीज क्या है हमें जनरली क्लास का में अजम्पन लेना पड़ता है ये

फुल कंसेप्चुअल ट्रांसफर प्राइजिंग से जुड़ा हुआ ट्रांसफर प्राइजिंग इंस्टीट्यूट का हमेशा फेवरेट रहा ही है ये आप जानते ही हैं ट्रांसफर प्राइजिंग से जुड़ा हुआ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे ट्रांसफर प्राइस सेट करना है वो सिचुएशन इन्होंने डिस्क्राइब किया है वन टू थ्री ये हम लोग गोल कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड ट्रांसफर प्राइजिंग कॉन्सेप्ट एक सीखते हैं अपने क्लास नोट्स में उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया और मजे की बात कि सब पांच पांच मार्क का है बट पांच मार्क खाली कैलकुलेशन का नहीं है आपको हर एक के साथ एक्सप्लेन करने बोला है तो आपको वो बताना है कि ऐसा यहाँ पर क्या ट्रांसफर प्राइस सेट होगा और उसको एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा ये भी आपको बताना है सो so, एक्सप्लेन करने के साथ इसमें इफेक्ट्स पूछ लिया ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एज अ होल मतलब आइडिया इज जस्ट डोंट स्टॉप ऑन कैलकुलेशन गिव two-three lines comments along with your calculation to fulfill the requirement of the question. Next uh, part B ka jo isme aaya wo ekdam same question है हमारा uh, mat में उसे same मतलब uh, similar बोलूँगा obviously एकदम same कहाँ से कुछ है TQM TQM chapter में हम लोग ये वाला question करते हैं कि advice whether receipt

प्रीवियस पेपर अगर मेड इनका बोलूँ तो उन्होंने ट्रांसफर प्राइजिंग और वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल्स पे थोड़ा सा इंफोसिस दे दिया था बट इधर अभी अगर आप देखें तो ये एक स्टैंडर्ड पेपर है ऐसा ही पेपर हर बार उम्मीद किया जाना चाहिए आ, अगर समझदारी बोले कॉस्टिंग पेपर सेट करने वालों की तो क्वेश्चन पेपर ऐसा ही होना चाहिए जो हर बच्चों के लिए एकदम सही है हाँ एम टी आरटीपी हमें थोड़ा बार बार लगातार धोखा दिए जा रहे हैं बड़े बड़े के स्टडीज पूछ पूछ कर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सारे को अगली टर्म से निग्लेक्ट करना शुरू करें हम उनके ऊपर भी इंफेसिस देंगे जैसे देते आ रहे हैं और ये मे एटीन और नवंबर एटीन का पेपर से भी जो लर्निंग मिला उसको भी ध्यान में रखेंगे इसका सोलूशन फुल फ्लेजेड हम लोग थोड़ी बाद में आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी बाद मतलब कुछ महीनों बाद इंस्टेंटली, तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नवंबर 18 वाले अब आप जो दे आए, दे आए अब न दुख मनाइए न ज्यादा खुश होइए। हाँ, कुछ मेरी बातों से सीखने मिला तो उसको जरूर नोट करके रखिए कि खुदा न खास्ता अगर वापस एग्जाम देना पड़े तो लेकिन मे 19 वाले जो स्टूडेंट्स है और उसके बाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेबस ये क्वेश्चन पेपर को आप जब सोल्व करोगे तो आपको बहुत इंसाइट मिलेंगे सोल्यूशन देखने पर जस्ट सुनने से मजा नहीं आएगा करो और फिर एक बार देखो कि एग्जाम आपको कैसा लग रहा है ओके, okay? सो so, ये हुआ न्यू सिलेबस का रिव्यू हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ ओल्ड सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे